अगर तुम अट्रैक्टेड हो, किसी के ऊपर क्रश है, या फिर किसी को बॉयफ्रेंड बना चुके हो या गर्लफ्रेंड बना चुके हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या ब्रेकअप हो चुका है, तो आपको ये सवाल अपने आप से पूछने चाहिए। नंबर वन, इज इट हेल्पिंग टू अचीव योर गोल? क्या आपका क्रश जिससे आप प्यार करते हो, क्या आपको वो आपके गोल को अचीव करने में मदद कर रहा है? मुझे नहीं लगता। हाँ, उस केस में होता है, मैंने ऐसे रिलेशनशिप्स भी देखे हैं जिसमें लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, लड़की पढ़ने में ठीक नहीं है, लड़की बहुत इंटेलिजेंट है, लड़का पढ़ने में ठीक नहीं है। ऐसे रिलेशनशिप में जो पढ़ने में खराब है उसको फायदा हो जाता है। अदरवाइज अगर आपको ये गोल अचीव नहीं हो रहा है तो आपको नुकसान है, कोई फायदा नहीं है, उस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाओ। अगला सवाल है, इज इट कोजिंग प्रॉब्लम टू योर परफॉर्मेंस? आपके साथ ऐसा हो रहा है कि अब आप पढ़ रहे हो, अचानक से पढ़ते पढ़ते आपको उसका ख्याल आ जाता है और आप ख्यालों में खो जाते हो, फिर आप सुनहरे पलों को याद करते हो और पता लगता है कि फिजिक्स तो धरी की धरी रह गई, कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, इन दैट केस देर इज अ प्रॉब्लम। ओके, सो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये भी प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है।